हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम पांच मिनट कीर्तन करेंगे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्द, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्द, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्द, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्द, त्रिभुवने द्वार करे चरण वंदना, त्रिभुवने द्वार करे चरण वंदना, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदना, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदना, त्रिभुवने द्वार करे चरण वंदना, त्रिभुवने द्वार करे चरण वंदना, नीलाचल शंकाचक्र गदा पद्मधर, नीलाचल शंकाचक्र गदा पद्मधर, नीलाचल शंकाचक्र गदा पद्मधर, शंका चक्र गदापद्मधर, नदिया नगर कमंडल कर, नदिया नगर दंदे कमंडल कर, नदिया नगारे दंड कमंडल कर, होरी जाया जाया जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे चरण वंदना, करे चरण वंदना, कोई बोले पूरा रावण वधीला, कोई बोले पूरा वे रावण वधीला, दोनों तेरा कोई बोले पूरा वे रावण वधीला, दोनों तेरा वैभव लीला प्रकाश करीला, दोनों तेरा वैभव लीला प्रकाश करीला, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद,
Sachiranata na Vibhuvane kare jara karna bandhana Vane kare jara karna bandhana Shri Radhar Bhave Deve Gauravatara Shri Radha Bhave Deve Gauravatara Hare Krishna Nama Gaura Karila Prachara Hare Krishna Nama Gaura Karila Prachara Jaya 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 Nama Dachiranandana Jaya Jaya Jaganada Dachiranandana Vibhuvane Chara Kare Charana Bandana Vibhuvane Chara Kare Vasudeva Gosha Bole Kari Jode Hata Jai Gaura Jai Krishna Jai Jagannatha Jai Gaura Jai Krishna Jai Jagannatha Jaya Jaya Jagannatha Sachiranandana Jaya Jagannatha Sachiranandana Vibhuvane Kare Jaya Charanavandana Vibhuvane Kare Jaya Charanavandana Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Swami Nayana Bhagami Nayana Bhagami Bhavatume Jai Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शिशि गौरिताय की शूल प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठकी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाम दर्शना मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कुछ महीने पहले चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हमने गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुना। उसके बाद अप्रैल महीने में हमने भगवान राम के आविर्भाव पर रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान राम की कथाएं सुनी थी। फिर हमने भगवान नरसिंह देव की कथाओं को सुना नरसिंह चतुर्थी के उपलक्ष्य में, और नित्य हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी कुछ ही दिनों में लीला पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव तिथि आने वाला है। तो कुछ दिनों के लिए हम भगवान जगन्नाथ जी कथाओं का श्रवण करेंगे आज से। तो प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी कृपा से, जगत के नाथ जगन्नाथ जी कृपा हमें इन कथा कीर्तन के द्वारा मिले। श्री बृहद भागवत में एक श्लोक आता है, एको वैकुंठ नाथाया श्री कृष्ण तत्र तत्र ही तत् तत् सेवका हर्ष्य तत् तत् रूपान्तिना वशेत। तत् तत् सेवका हर्षाया, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं, वो अलग अलग रूपों को धारण करते हैं, अलग अलग लीलाओं का मंचन करते हैं, जिससे कि वो अपने भक्तों को आनंद दे सके। तद तद रूपादिना वसेत। तो भगवान अलग अलग रूपों को धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं धारण करते हैं, उद्देश्य केवल एक है, तद तद सेवका हर्षाया, अपने भक्तों को आनंद देना। जैसे कि हम भागवतम के श्लोक में सुनते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहमास्थितम् भजते तदृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्पर भवेत। तो जहां एक तरफ भगवान अपने शुद्ध भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद देते हैं, वहां पर दूसरी तरफ हम सब साधक भक्तों को उनकी लीलाओं का श्रवण करने का अवसर देते हैं, जिसके द्वारा अपने मन को हम उनमें आसक्त करके उनकी तरफ आकर्षित हो। नरसिंह पुराण में अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन एक श्लोक में किया गया है, सत्यदायिते कुलाधि नाश शमाय सिम उर्ध्वा मर्त्युक्ति त्रेतायाम दशकंदरम प्रभव रामेति नमः कृतः गोपालन परिपालन ब्रजपुरे भारम हरंद्वापरे गौरांग प्रिया कीर्तन कलयुग चैतन्य नाम बहु। वो कहते सत्ययुग में भगवान कैसे आए, दैत्यों दानवों को राक्षसों को मारने के लिए सिम उर्ध्वा नरसिंह रूप में प्रकट हुए, त्रेतायाम दशकंदरम परिभावम रमेति नामकृत, और त्रेता युग में भगवान रावण का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में आए, और द्वापरे गोपालान भगवान गोपाल के रूप में आए, किस लिए, जो वृंदावन में ग्वाल बाल उनका पालन करने के लिए, और भारम हरण द्वापरे पृथ्वी का भार को हरने के लिए आए, और वही भगवान कलयुग में गौरांग प्रिया कीर्तना कलियुग चैतन्य नाम प्रभाव है। वही भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, जिनका गौरांग रूप है और जो कृष्ण के नाम लेने में आनंद ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सत्ययुग में जब भगवान आए तो उन्होंने वीर का प्रदर्शन किया, तो इसलिए उनको बोलते हैं वीर पुरुषोत्तम, वो पुरुष जो कि शक्ति में उत्तम है, वीर पुरुषोत्तम। फिर जब भगवान त्रेतायुग में आए तो मर्यादा का उन्होंने पालन किया, तो इसलिए उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर जब भगवान कृष्ण आए तो अपनी लीलाओं से उन्होंने भगवान के भक्तों को आकर्षित किया, तो इसलिए उनको बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। और गौरांग महापुरुष के रूप में जब आए तो उन्होंने कृष्ण प्रेम को बांटा, इसलिए उनको बोलते हैं प्रेम पुरुषोत्तम। तो हम देखेंगे अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन अलग अलग युगों में भगवान पुरुषोत्तम के रूप में माने जाते हैं, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। और इसलिए अनेक पुराणों में बताया गया है कि भगवान नित्य रूप से पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम में निवास करते हैं। तो इस श्लोक में हमने सुना कि सत्ययुग में भगवान नरसिंह के रूप में आए, त्रेता में राम के रूप में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, और हम सुनते कि भगवान त्रियुगी हैं। त्रियुगी मतलब तीन युग में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो गौरांग महापुरुष अवतार है वो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, लेकिन एक भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान है लेकिन भक्त के रूप प्रकट हुए हैं। और इसी प्रकार जो कलयुग में और अवतार होंगे, जैसे कि भगवान बुद्ध आए, कल की भगवान आने वाले हैं, लेकिन ये सब भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, लीला अवतार नहीं है।
तो भगवान सतयुग में लीला किए, नरसिंह लीला किए, त्रेता युग में भगवान राम की लीला किए, द्वापर युग में भगवान कृष्ण लीला किए, और कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं तीन रूपों में, नाम के रूप में, ग्रंथ भागवत के रूप में, और अर्चा विग्रह के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होते हैं। और कृष्ण स्वधाम भगवते, जब भगवान चले गए तो श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान प्रकट हुए, और विशेष रूप से भगवान कलयुग में प्रकट होते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, और वो अर्चा विग्रह रूप है भगवान जगन्नाथ जी का। इसलिए आप देखोगे चार धाम जो हैं, तो सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, जहां लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे और नर नारायण के रूप में वहां भगवान प्रकट हुए। त्रेता युग में जब भगवान राम प्रकट हुए तो रामेश्वर धाम बना, और द्वापर युग में भगवान द्वारका में प्रकट हुए, द्वारका धाम बना, और चौथा धाम है जगन्नाथपुरी धाम, जहां भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो अनेक शास्त्रों में, अनेक उपनिषदों में भगवान के साहित्य अवतार व्यास देव जी ने भगवान की इन लीलाओं का संकलन किया है। लेकिन जब देखा व्यास देव जी ने कि वेदों को, उपनिषदों को पढ़ने की योग्यता बद्ध जीवों में नहीं है, तो उन्होंने विशेष रूप से 18 पुराणों की रचना की, और उनमें से सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर 81,000 श्लोक है। स्कंद पुराण का वर्णन सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को, फिर शिव ने स्कंद जी को, और फिर स्कंद ने जैमिनी ऋषि को ज्ञान दिया, और फिर जैमिनी ऋषि अनेक ऋषियों के संग चर्चा कर रहे हैं, और उसका वर्णन इस पुराण में आता है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में हम भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर लीलाओं को सुनेंगे। तो अनेक पुराणों में, नारद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, कई पुराणों में भगवान जगन्नाथ जी और उनके दिव्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया गया है, बट विशेष रूप से स्कंद पुराण में श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया गया है और भगवान जगन्नाथ जी का वर्णन किया गया है। तो ये कथा इस प्रकार शुरू होती है, जैसे भागवतम में सुनते हैं कि शौनक आदि ऋषि बैठे हैं और उनके बीच में शौनक मुनि जो है वो सुत गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ जैमिनी ऋषि बैठे हैं और जैमिनी ऋषि से सारे मुनि जिज्ञासा करते हैं। तो जैमिनी ऋषि कथा कहना शुरू कर रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से, कि किस तरह से भगवान के स्वरूप करुणोदकशायी विष्णु अपने रोम रोम से श्वास लेने पर अनेक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं और श्वास लेने पर सब ब्रह्मांडों को वापस ले लेते हैं। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और फिर भगवान अपने दृष्टिपात से जीवों को, काल को और जीवों के कर्मों को उनमें गर्भाधान करते हैं, और इस प्रकार से भगवान क्या है स्वर्ग की रचना करते हैं। उसके बाद गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान गर्भ सागर में प्रवेश करते हैं, और फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और गर्भोदकशायी विष्णु के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी फिर विसर्ग सृष्टि की रचना करते हैं। कथा यहां से शुरू होती है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, तो जब वो सृष्टि कर रहे थे तो उनके हृदय में बड़ी करुणा जागी और वो दुखी हो गए कि अरे मैं भगवान विष्णु के कहने पर सृष्टि की रचना तो कर रहा हूं, लेकिन मैं कौन सी सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं? उस सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं जिस सृष्टि में लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट भुगतने पड़ेंगे, तीनों गुणों के वशीभूत रहकर उनको माया के अधीन रहना पड़ेगा। प्रकृति के तीन गुण है ना, जब कोई व्यक्ति तमोगुण में होता है तो वो आलसी बन जाता है, पाप कर्म करता है, जब कोई व्यक्ति रजोगुण बन जाता है तो उसको क्रोध आता है, उसमें काम आता है, उसमें लोभ आता है, उसमें अहंकार आता है, उसमें ईर्ष्या आती है, और जब कोई व्यक्ति रजोगुण होता है तो उसमें दान देने की या कुछ चैरिटेबल काम करने की इच्छा होती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ये सारे काम शरीर के स्तर पर है, इसमें आत्मा का तो कुछ लेना देना है ही नहीं है, तो फिर आत्मा कैसे प्रसन्न होगी? और फिर उन्होंने देखा कि कलयुग में तीन प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कष्ट रहेंगे, कई प्रकार की कलह रहेंगी, उपद्रव रहेंगे, तो किस प्रकार से मैं ये दुखालयम की सृष्टि कर रहा हूं? बड़े दुखी हो गए वो और गए महाविष्णु के पास। हे विष्णु जी,
आपके कहने पर मैं दुखालयम की रचना तो कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी भी जगह है इस पूरे ब्रह्मांड में जहां की जीव जाकर शांति प्राप्त कर सके, आनंद प्राप्त कर सके। तब भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, ना तो ऊपर के लोगों में ना तो नीचे के लोगों में ऐसा कोई स्थान है, लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है। यदि तुम समुद्र के उत्तर में और महानदी नदी के दक्षिण में जाओगे तो वहां पर एक बड़ा सुंदर तुम्हें नीला पर्वत दिखाई देगा, और उस पर्वत के ऊपर एक बड़ी सुंदर नीले रंग की नीलकंद्र नीले रंग की गुफा है, और उस गुफा के अंदर भगवान का एक बड़ा सुंदर नील माधव का दर्शन मिलेगा, जहां पर भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। और जो भी कोई व्यक्ति नील माधव का दर्शन करता है लक्ष्मी जी के साथ, उसको पुनः इस जन्म मृत्यु के सागर का दर्शन नहीं करना पड़ता। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने पूरे संसार की सृष्टि की और फिर स्वयं नीलाचल में की तरफ चल पड़े भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए। अनेक प्रयास करने के बाद जब वो नीलाचल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर पर्वत है और वहां पर एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष के नीचे एक बहुत ही सुंदर रोहिणी कुंड है। वो उसका दर्शन कर रहे थे और क्योंकि काफी चलकर आए थे, उनको प्यास लगी थी, वो जैसे ही पानी पीने के लिए बड़े आगे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही तुच्छ सा जीव कौआ एक पेड़ से वहां पर आता है, उस कुंड को स्पर्श करता है, और जैसे वो उस कुंड को स्पर्श करता है वो चतुर्भुज रूप में बदल जाता है और भगवान के वैकुंठ धाम वापस आ जाता है। ब्रह्मा जी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी जगह है, ये पानी का स्पर्श करने मात्र से और भगवान के वैकुंठ धाम जा सकते हैं। इतना वो सोच ही रहे थे तभी वहां पर स्वयं यमराज जी भी आ गए, और जब यमराज ने देखा वो दुखी हो गए। ब्रह्मा जी तो खुश हो गए थे लेकिन यमराज जी दुखी थे, और यमराज के दुख का कारण क्या था? यमराज के दुख का कारण था कि उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे पापी जीवों को कष्ट देने के लिए सेवा नियुक्त किया है, लेकिन यदि कोई पापी जीव भी इस कुंड का स्पर्श करके और भगवान के धाम जाएगा तो फिर मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा, फिर मेरी क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरी क्या आवश्यकता है। और इस प्रकार सोचते सोचते उन दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, यमराज जी ने और ब्रह्मा जी ने, और तब भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर इशारे से लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप इनको बताइए, और तब लक्ष्मी जी ने बोला कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं मैं 5 चीजें इस स्थान की दिव्यता के बारे में बताना चाहती हूं। लक्ष्मी जी ने बोला ब्रह्मा जी और यमराज जी को कि पहली बात, ये जो स्थान है ये किसी भी देवी देवताओं के नियंत्रण में नहीं है, ये स्वयं भगवान का व्यक्तिगत धाम है और यहां पर हर कुछ भगवान की अपनी इच्छा से चलता है। नंबर 2, यहां पर यदि कोई विश्राम भी करता है तो उसको अनेक योगिक सिद्धियों का फल मिलता है। नंबर 3, यदि यहां पर कोई कुछ बोलता भी है तो उसको वैदिक मंत्रों के उच्चारण का लाभ होता है। यदि कोई यहां पर चलता भी है तो उसको भूमंडल की 7 परिक्रमाओं करने का लाभ मिलता है। और 5वां, और कुछ नहीं तो यहां पर अगर कोई श्वास भी लेता है तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर है। और इतना ही नहीं, अगर कोई ऊपर के लोगों से इंद्र लोगों से दिखेगा तो यहाँ का प्रत्येक प्राणी चतुर्भुजी रूप में है और भगवान के नित्य पार्षद के रूप में है। जब इस प्रकार से उस जगह की महिमा सुनी तो ब्रह्मा जी और यमराज जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी जी से बोला कि ठीक है, हमारी योग्यता नहीं है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कोई बस नहीं चलता, लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, हम इस महिमा की और इस स्थान की और महिमा सुनना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी कथा है जहां से हमें पुष्टि हो सके कि ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है? तो लक्ष्मी जी ने बताया कि ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि जब प्रलय आती है तब भी स्थान का नष्ट नहीं होता। और तब उन्होंने बोला कि मैं आपको एक कथा सुनाती हूं कि किस प्रकार से एक बौड़े ऋषि थे, महान ऋषि थे, जिनका नाम था मार्कंड ऋषि।
उन्होंने अनेक सालों तक तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किया, और तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान किया लिया कि मुझे आप लंबी आयु दीजिए। पहले उन्होंने असली में वरदान मांगा था कि मेरे को मृत्यु से भय लगता है, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने बोला कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा, ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मृत्यु से मुक्त हो सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक वरदान मैं दे सकता हूँ, लंबी आयु का वरदान। और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 7 कल्पों तक जीवित रह सकते हो। एक कल्प बोलते हैं हम ब्रह्मा जी के एक दिन को, और एक दिन में 1000 बार चतुर्युग निकल जाते हैं। हमने कई बार चर्चा किया है, एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधि को मिलाकर चतुर्युग बोलते हैं, जो करीब करीब 43 लाख साल बनते हैं। इन सबको अगर 1000 बार गुना करें तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते हैं, और इतने ही 12 घंटों की ब्रह्मा जी की रात है, और इस पूरे को 12 और 12 24 घंटे के एक दिन को कल्प बोलते हैं। तो ऐसे 7 दिन 7 कल्पों की लंबी आयु का वरदान मार्कंडेय ऋषि को मिला। मार्कंडेय ऋषि शुरू में तो बड़े प्रारंभ हुए, जब दिन का समय था ना ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे थे, उस समय तो सृष्टि चलती रहती थी, तो मार्कंडेय ऋषि थोड़े प्रसन्न थे, अपना भजन कीर्तन में लग रहे थे। लेकिन जब रात आती ब्रह्मा जी की, तो उस समय क्या आंशिक प्रलय होती है। दो प्रकार की प्रलय होती है, एक महाप्रलय जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, और एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी का एक दिन नष्ट होता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जब शाम आती, तो उस समय तेज आंधी तूफान आता और पूरा प्रलय आती, तो उस समय मार्कंड सब कुछ तो नष्ट हो जाता, लेकिन मार्कंडेय ऋषि जीवित रहते, क्योंकि उनको तो 7 कल्पों तक जीना है। बड़े परेशान हो गए, उन्होंने देखा कि पूरे प्रलय का तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, सब जगह पानी पानी है, बड़े विचलित हो गए, बिल्कुल ठंडा पानी था, सब तरफ से उनके पानी की लहरें उनको ठोकर मार रही थी। ऐसे वो जब पानी की लहरों में थे, तभी दूर उनको कहीं एक बड़ा सुंदर वृक्ष, स्वयं प्रकाशित वृक्ष दिखाई दिया, और वहां से आवाज सी आई कि मार्कंडेय तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। और जब धीरे धीरे वो उस वृक्ष की तरफ पहुंचे, तो देखा कि वहां से सुंदर उज्ज्वल नीलमणि प्रकट हो रहा है, वहां से बड़ा सुंदर रूप दिख रहे हैं। और जब वहां पास में गए तो क्या देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक आता है ये, हाँ, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कहते हैं कि करारविंदेन, करार हाथ को, कर बोलते हाथ को, अरविंद बोलते कमल को, कहते कमल रूपी हाथों से पदारविंदम, अपने कमल रूपी चरणों को। बालक क्या कर रहा है, अपने कमल रूपी हाथों से अपने कमल रूपी चरणों को पकड़कर, और क्या कर रहा है, मुखारविंदे, अपने कमल रूपी मुख में डाल रहा है। आप समझे, भगवान के चरण कमल भी, भगवान के चरण भी कमल के समान है, भगवान के हाथ भी कमल के समान है। अभी हम गाते नरसिंह तव कर कमल वरे, तो भगवान के चरण भी कमल के समान, भगवान के हाथ भी कमल के समान, और भगवान का मुख भी कमल का समान। तो कह रहे हैं कि करारविंदे न, अपने हाथ कमल रूपी हाथों से वो अपने कमल रूपी चरणों को उठाकर मुखारविंदे अपने कमल रूपी मुख में डाल रहे हैं, विनिवेशयंतम, और क्या कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वटस्य पत्रस्य, एक वट वृक्ष के पत्र पे पुटे शयनम, वो सो रहे ऐसे लेटे हुए हैं। इतनी प्रलय के बाढ़ में और वट वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान कैसे लेटे हैं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरणामि, प्रार्थना कर रहे हैं। ये पूरा एक बाल मुकुंद स्त्रोत्र है जिसके रचना वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन मनसा स्मरणामि, मेरा मन उन बाल मुकुंद, उन बाल कृष्ण का स्मरण करे, वो बाल कृष्ण जो कि वट वृक्ष के एक पत्ते पर लेटे हुए विनिवेश अयंतम, जहां पूरा पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है, वो वहां पर एक पत्ते पर लेटे हुए क्या कर रहे हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम, अपने कमल हाथों से अपने कमल रूपी पांव को उठाकर अपने कमल रूपी मुख में चूस रहे हैं। जब मार्कंडेय ऋषि ने देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हो,
आप ही क्या कर रहे हो, आप ही अपना पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे हो? तो बालक के रूप में बोलते हैं कि मैं सुनता हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि गीता भागवतम और अनेक शास्त्रों में भगवान के चरणारविंद लोटस फीट के बारे में बड़ा गुणगान किया गया कि भगवान के चरणारविंद जो है उनकी शरण लेता है, वो सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो मैं देख रहा हूं इन चरणारविंद के अंदर क्या ऐसा शहद रूपी सार है, मैं उसको चूसने का प्रयास कर रहा हूं। ऑफकोर्स भगवान ये भी कहना चाहते थे कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं मेरे चरणों में रहते हैं तो मैं उनका आनंद लेना चाहता हूं। जैसे जब हम देखते हैं नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सब लोग भयभीत थे, और प्रहलाद महाराज को जब उन्होंने आगे भेजा तो प्रहलाद महाराज को गोदी में उठा के और वो चाट रहे हैं अपने मुख से। तो भगवान अपने मुख से अपने भक्तों को स्पर्श करना चाहते थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला, भगवान आप जो करने का प्रयास कर रहे हो ना, आप इसमें सफल नहीं होगे, क्योंकि आप जैसे जो कमल का पत्ता है वो कमल के बीच में जो वोरल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं जो अंदर का सेंटर का एरिया होता है ना, क्या बोलते हैं वोरल को हिंदी में, जो बीच में पोर्शन जहां पर असली में पोलन ग्रेन्स होते हैं जहां से शहद निकलता है, तो क्योंकि जो कमल के पत्ते हैं वो उसका स्वाद नहीं सकते। जो मधुमक्खी है, हनी बी है, जो कि वो कहना चाहते थे कि जो शुद्ध भक्त जो कि मधु के समान है वो उस पुष्प पर बैठ के उस आनंद का स्वादन कर सकते हैं, उस हनी का। वो कहना चाहते केवल भक्त ही आपके चरणों का आस्वादन ले सकते हैं। और वो स्मरण करें किस प्रकार से चार कुमार जो थे उन्हें भगवान के चरणों से निकलने वाली तुलसी की सुगंध को सूंघकर और भगवान के समर्पित हो गए। पहले वो ब्रह्मवादी थे लेकिन भगवान के भक्त बन गए। फिर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया मार्कंडेय ऋषि ने, और बोला कि मुझे बताइए कि ब्रह्मा के दिन में तो मैं फिर भी थोड़ा भजन कर लेता हूँ, लेकिन जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो इससे प्रलय आती है तो मेरे लिए कोई जगह नहीं बनती, सब जगह पानी पानी है, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसकी शरण में जाऊं। और तब भगवान कहते हैं तुम्हें जगह देख रहे हैं ना जहां इस समय हो तुम, ये बड़ी विशेष जगह है, इस जगह का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, और जब प्रलय भी आती है तब भी ये क्षेत्र कभी नष्ट नहीं होता और मैं यहाँ हमेशा पुरुषोत्तम के रूप में निवास करता हूं, तुम यहीं पे रहो, मेरा स्मरण करो और इस प्रकार से तुम सुरक्षित रहोगे, और मेरा स्मरण करते हुए जब 7 कल्पों के बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। ये जो हम कथा सुन रहे हैं असली में इस पुरुषोत्तम क्षेत्र जहां भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हैं उसकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है स्कंद पुराण के उत्कल खंड में। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि भगवान विशेष रूप से जगन्नाथ जी के रूप में क्यों प्रकट होते हैं और कहां प्रकट होते हैं और उस भूमि की क्या विशेषता है। तो इस तरह से उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न होकर उसी स्थान पर बैठकर ध्यान करने लगे। ऊपर से भगवान शिव जी ने जब देखा, अरे इतनी कष्ट इतनी तपस्याओं को सहन करने के बाद भी ये कौन सा महान भक्त है जो कि मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है, क्योंकि भगवान शिव तो क्या है, वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। तो वो उमा अपनी पत्नी उमा के संग नीचे आते हैं आशीर्वाद देने के लिए कि अरे इतना महान भक्त है, क्योंकि भगवान शिव विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उस समय मैत्रेय ऋषि इतना ध्यान मग्न थे अपनी तपस्या में भगवान विष्णु की कि उन्होंने आंखें खोली नहीं। तो उमा ने बोला, पार्वती ने बोला, अरे शिव जी अभी ये पूरे ध्यान में है, आप क्या करो, आप तो सभी रूप बदल सकते हो, आप इस हवा के साथ इनके नाक में प्रवेश करके इनके हृदय में प्रवेश कीजिए और फिर इनको दर्शन दीजिए। और भगवान शिव ने ऐसे ही किया। ये स्कंद पुराण में आता है, हम सुनते ना ये पुराण है, ये पुराण मतलब वैसे तो होता है इतिहास, पुराणिक स्टोरीज, बट ये पुराण कैसे नव ये नया नया कथा देने वाले हैं। और शास्त्र कहते हैं एकांत के को कहते कि पंचरात्रिम विधि बिना, जो भगवान की भक्ति है, अगर हम क्या है वो श्लोक, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधि बिना एकांत के हरे भक्ति केवल उत्पाद हो। तो हमारी जो भक्ति करनी है वो पुराणों के अनुसार करनी है। तो पुराणों में ये कथा आती है कि भगवान शिव फिर क्या किए उमा जी कहने पर, और प्रवेश किए मार्कंडेय ऋषि के हृदय में। और जब मार्कंडेय ऋषि के हृदय प्रवेश किए, दर्शन किया, तो बड़े प्रसन्न हो गए मार्कंडेय ऋषि। और भगवान शिव कहते बोलो कुछ आशीर्वाद मांगो मेरे से, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं।
मार्कंडेय ऋषि ने बोला मैं पहले ही आशीर्वाद मांग के आपसे पछता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा था, 7 कल्पों तक मेरी लंबी उम्र हो। बोला मुझे अभी लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप एक आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भगवान कृष्ण की अहित की भक्ति मिले। जैसे हम रोज गाते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, हम जन्मनी जन्मनी ईश्वरेर भवतात भक्ति रहेतु अहित की त्वयी है सावे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति यदोक्षजा अहित की अप्रतियता येन आत्मा सुप्रसिद्धि। तो मार्कंडेय ऋषि उदाहरण से स्थापित कर रहे हैं कि जिसकी उम्र 7 कल्प की है, हमारी उम्र तो 70 साल की मुश्किल से होती है, और उस उम्र को हम लंबा करने आते हैं दवाइयां लेकर बाल डाई कर कर। और यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, 7 कल्प करोड़ों वर्षों की, वो भी कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण की अहित की भक्ति चाहिए और आप जैसे महान भक्तों की भी सेवा करने को मिलो। तो भक्त है उसकी एक ही इच्छा होती है, वो क्या चाहते हैं कि यदि मैं भगवान की सेवा कर सकूं और भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न हो सके, यदि मेरी सेवा से भगवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए, इफ बाय माय सर्विस कृष्णा स्टार्ट स्माइलिंग दैट इज द परफेक्शन ऑफ माय लाइफ। तो इस तरह से भगवान शिव ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने वहां पर शिव जी की पूजा की और उसी की जगह वो जगह मार्कंडेय सरोवर के नाम से बन गया और वहां भगवान शिव को स्थापना किया, मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से बन गए। ये कथा हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इस कथा का लिंक पूरे जगन्नाथ जी से, इसलिए समझना चाहिए। उनके साथ ब्रह्मा जी के संग कौन था, यमराज जी भी थे। तो जब ब्रह्मा जी ने और यमराज ने कथा सुनी, ये कथा कौन सुना रहा है, ये कथा लक्ष्मी जी सुना रही है, लक्ष्मी जी सुना रही है। जयमिनी ऋषि तो अपने ऋषियों को सुना ही रहे हैं, बट फर्दर कोटेशन किसकी है, लक्ष्मी जी यमराज और ब्रह्मा को कथा सुना रही है। तो जब ब्रह्मा जी ने सुना तो लक्ष्मी ने फिर दोबारा बोला कि ये देवीताओं का स्थान नहीं है और यमराज तुम्हारा तो बिल्कुल भी स्थान नहीं है, तुम तो यहां से चले ही जाओ। और यमराज जी वहां से हाथ जोड़कर चले आते हैं और फिर लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को कहती है, ब्रह्मा तुम अभी जाओ लेकिन आने वाले समय में एक बहुत महान राजा आएंगे, राजा इंद्रदुम्न हैं, और फिर उस समय तुम आकर उनकी सहायता करना और उनके मदद करके भगवान की स्थापना करना। जैसे ही एक कथा चल रही थी जयमिनी ऋषि और ऋषियों के बीच में, तो उन्होंने क्या सुना, राजा इंद्रदुम्न के एक बड़े राजा आएंगे। तो जैसे हम भागवत में सुनते हैं ना, जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी कुछ हल्का सा एक कथा मेंशन करते हैं तो परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे और डिटेल में बताइए इसका। तो जैसे ही उन्होंने इंद्रदुम्न के बारे में सुना, उन्होंने जानने की जिज्ञासा की कि आप बताइए ये राजा इंद्रदुम्न कौन थे। तो उससे पहले जयमिनी ऋषि बताते कि जो धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये इतना सुंदर धाम है कि जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, इसलिए भगवान ने अपने नाम के से इस धाम को नाम दिया है, है? और असली में इसको शंख क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि जो पूरी धाम है उसका आकार शंख की तरह है। असली में जो पूरा उड़ीसा स्टेट है ये एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान जब प्रकट हुए तो चारों उनके जो सिंबल है ना, शंख चक्र गदा पद्म, वो सब विराजमान है। तो शंख क्षेत्र पुरी के नाम से विख्यात है और चक्र है भगवान का वो भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है और जो पद्म है वो कोणार्क सिटी के नाम से जाना जाता है और गदा जो चिन्ह है उड़ीसा में बिल्कुल पास में ही उसी भी ट्राई सिटी के अंदर जाजपुर करके एक गांव है वहां पर जाना जाता है। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र कितना महान है। हम वामन पुराण में भी पढ़ते हैं इस धाम के महिमा के बारे में, तो कह रहे हैं कि ये जो धाम है भगवान का धाम, नीलाचल धाम के नाम से, पुरुषोत्तम धाम के नाम से, भूस्वर्ग के नाम से, ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि पुरुषोत्तम धाम भूस्वर्ग, क्योंकि पृथ्वी पर ये क्या है, स्वर्ग के समान है और भौम वैकुंठ भी है क्योंकि पृथ्वी पर यह वैकुंठ के समान है, और दश अवतार क्षेत्र क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी असली में सभी अवतारों के स्रोत्र हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसको लक्ष्मी क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी यहां पर विराजमान करती है, इसलिए इसको श्री क्षेत्र बोलते हैं। श्री क्षेत्र मतलब
सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होने के कारण इसका नाम पड़ा। वास्तव में श्री लक्ष्मी जी की शक्ति है, जिनके लक्ष्मी जी भगवान की जो शक्ति है, जिनके प्रभाव में जो स्थल है उसे श्री क्षेत्र कहते हैं। तो हम देखेंगे आगे जब कथाएं सुनेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जितनी भी लीलाएं होती हैं, जैसे वृंदावन में जितनी भी लीलाएं होती हैं वृंदी देवी आयोजित करती हैं, इसी प्रकार जो जगन्नाथपुरी में भगवान की लीलाएं हैं वो स्वयं लक्ष्मी जी आयोजित करती हैं। जैमिनी ऋषि आगे भगवान के भक्त राजा इंद्रदुम्न की कथा सुनाते हैं। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा इसलिए बताई गई है प्रारंभ में कि ये एकमात्र ऐसा धाम है जो जो कल्प के अंत में प्रलय के समय भी शाश्वत विराजमान रहता है। और जैसे हमने सुना कि जो इस धाम में एक बार भी वास करता है, वहां कुछ बोलता है, चलता है, प्रणाम करता है, लेटता भी है, तो वो भी भगवान के धाम जाने योग्य बनता है। और वहां पर भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। ये जो भगवान जगन्नाथ जी के प्रकट होने की लीला है, प्रायः जो हमने लीलाएं सुनी है कि भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट होते हैं, और खास कर से हमने सुनी है राजा इंद्रदुम्न की कथा, ऑफकोर्स ये मुख्य कथा है, पर हम आगे देखेंगे कि असली में भगवान जगन्नाथ जी तीन जगह प्रकट होते हैं। तो पहले प्रकट होते हैं भगवान श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में, और दूसरी लीला द्वारका में जब रोहिणी मैया और द्वारका की रानियों कथा सुनाएंगी, और तीसरी लीला जो बहुत कम भक्तों को पता है, केवल गौड़िया वैष्णव जो भक्त हैं वो उस लीला को जानते हैं, वो वृंदावन में जब भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। तो असली में आप देखोगे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में भागवत में वर्णन है, भगवान राम की लीलाओं में के बारे में रामायण में वर्णन है, और भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में भागवतम और अनेक ग्रंथों में वर्णन है। इन भगवान जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बहुत कम जगह वर्णन है, केवल कुछ पुराणों जैसे स्कंद पुराण में या कुछ पुराणों में वर्णन है। और भगवान जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं वो बड़ी अद्भुत है और मिस्टीरियस है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे भगवान जगन्नाथ जी एक शरीर के रूप में नहीं आ रहे हैं। भगवान राम आए, एक शरीर धारण किया, भगवान कृष्ण भी मानुषिम तनुआश्रितम, नरसिंह भगवान भी शरीर लेकर आए, वराह भगवान शरीर लेकर आए, वामन भगवान शरीर लेकर आए, मीन भगवान शरीर लेकर आए। यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं, क्या स्वरूप लेके आ रहे हैं? अर्चा विग्रह का रूप लेके आ रहे हैं। और प्राय कम बुद्धि के लोग नहीं समझ सकते कि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान कैसे लीलाएं कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि भगवान अर्चा विग्रह का रूप कलयुग में इसलिए धारण किया क्योंकि कलयुग के लोग उतने योग्य नहीं है कि भगवान की लीला में भाग ले सके। तो हम यहां से लीला शुरू करते हैं। जैमिनी ऋषि जब अपने ऋषि को बता रहे थे कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रदुम्न, बहुत ही बड़े राजा थे, बहुत धनी राजा थे, उनके पास किसी की कमी नहीं थी, सब कुछ संपन्न था। और एक दिन वो अपने महल में बैठे हुए थे, और जब महल में बैठे हुए थे तो सारे ऋषि मुनि जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनको बुलाया, और इस प्रकार से उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे धर्मात्माओं, हे ऋषियों, हे मेरे मंत्रियों, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसे स्थान का वर्णन कीजिए जहां पर कि जन्म और मृत्यु का प्रभाव ना हो। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा परम पुरुष है जिसका दर्शन करने मात्र से और मैं सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता हूं? वे सर्वाधिक उत्तम और श्रेष्ठ धाम कहां पर है जहां मैं जाकर अपने इन्हीं चक्षुओं से मैं साक्षात भगवान का अवलोकन कर सकूं? ये स्कंद पुराण का श्लोक कहते हैं, यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्यमेत अतेन चक्षुषा, पश्यत मतलब देखना, चक्षुषा मतलब आंखों से। तो यहां पर वो जगन्नाथ जो बोले उनको नहीं पता था कि भगवान जगन्नाथ जी के रूप में, वो कह रहे हैं जगत के नाथ मतलब स्वामी परम भगवान। तो इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं कि परम भगवान जगत के स्वामी का दर्शन कर सकूं इसी नेत्रों के द्वारा? इस प्रकार से राजा ने इन सबके समक्ष भगवान को देखने की उत्कंठा लालसा को प्रकट किया, और सभी राजा की इस लालसा को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न भी हुए। और ऐसा बताया जाता है स्कंद पुराण में कि स्वयं भगवान एक
वृद्ध सन्यासी और ब्राह्मण का रूप लेकर उस सभा में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने जीवन काल में अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है और मैंने अपने बचपन में भी कई लोगों से सुना है कि उड़ देश, उड़ीसा मतलब उड़ देश बड़ा प्रसिद्ध जगह है, दक्षिण सयोधा अस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम, मतलब समुद्र के दक्षिण तरफ है ना, दक्षिण सयोधरे कह रहे उड़ नामक विख्यात देश के दक्षिण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र है। देखिए कनेक्शन देखिए क्या है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी और यमराज जी को लक्ष्मी जी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बताई है मार्कंड ऋषि कथा सुनाकर, और जहां ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में राजा इंद्र दुम्न आएंगे और तब तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान की विग्रह स्थापना करने में उनकी सहायता करना, तो वहां से अब जैमिनी ऋषि कथा को ले रहे हैं और जैमिनी ऋषि बता रहे हैं कि इस तरह से एक राजा थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का जिज्ञासा प्रकट किया कि मैं भगवान के उस धाम का दर्शन करना चाहता हूं जहां पर पूरी सृष्टि के स्वामी भगवान विराजमान है। तो ये ऋषि क्या कहते हैं, ये सन्यासी जो साधु थे क्या कहते हैं कि पुरुषोत्तम नामक एक क्षेत्र है जहां नीलगिरी नाम का पर्वत है, नीलगिरी नीलाचल जैसे हिमाचल है ना, और उत्तरांचल द्रोणाचल, द्रोणाचल सुना है कौन, हमने गोवर्धन किले में सुना था ना कि गोवर्धन के पिता का नाम था द्रोणाचल, तो अचल बोलते हैं पर्वत को, तो उन्होंने बोला कि नीलाचल और नीलगिरी नाम का नीलाद्री नाम का एक पर्वत है और उस स्थान के मध्य में एक विशाल वट वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक बड़ा सुंदर रोहिणी कुंड है, कुछ दिन उस वृक्ष के नीचे वास करने मात्र से व्यक्ति अपने सारे पूर्व कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है, उस वृक्ष के निकट ही रोहिणी कुंड एक शुद्ध जलाशय है जिसके स्पर्श मात्र से हमने सुना है कि एक कौवा का भी उद्धार हो गया, उस पक्षी की तो कोई योग्यता भी नहीं थी परंतु केवल उस पक्षी ने जल का स्पर्श किया और संसार से मुक्ति प्राप्त की। वहां तो सिर्फ लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को उस जगह की इंपॉर्टेंस बताई थी मार्कंड ऋषि की स्टोरी के माध्यम से कि मार्कंड ऋषि को भगवान ने तपस्या करने को बोला, लेकिन मार्कंड ऋषि तो सात कल्पों तक रहेंगे लेकिन बाकी सब जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो अब भगवान राजा इंद्रदुम्न के द्वारा अपने को प्रकट करेंगे, तो इसलिए इस सन्यासी के द्वारा राजा इंद्रदुम्न की लालसा लौल्यम को देखकर ये उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा गाना शुरू करते हैं। कहते हे राजन, एक वर्ष तक मैंने उस स्थान में निवास किया, उस रात मैं देखता था कि देवता लोग वहां पर आते थे जो भगवान नील माधव की पूजा करते थे, वे नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों और स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न करते थे। हे इंद्रदुम्न, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है परंतु केवल उस स्थान में निवास करने मात्र से मैंने परम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और अनुराग उत्पन्न कर लिया है, कृपा के सागर श्री हरि दर्शन करने मात्र से सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस तरह से जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है ना, नीलाचला निवास आया नित्याय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथ आय ते नमः, इस तरह स्कंद पुराण का ये श्लोक है, प्रायः जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते हैं तो हमें श्लोक बोलना चाहिए, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुदाम दर्शनम मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु नाम दर्शन, जंतु मतलब जीव जंतु, कोई भी जीवात्मा यदि उनका दर्शन करता है, किनका दर्शन करता है, साक्षात भगवान का जो कि शंख चक्र गदा और पद्म को लेकर खड़े हैं, यो ददाति कृपा निधि, कृपा निधि उनकी कृपा प्राप्त करके क्या है ददाशन मुक्ति, वो मुक्ति को प्राप्त करता है उनके दर्शन करने मात्र से। तो जगन्नाथ जी की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि केवल दर्शन करने मात्र से वो क्या है, भगवान कृपा के सागर हैं जो हर जीव का उद्धार केवल अपने दर्शन मात्र से कर रहे हैं। ये जो मुनि हैं ये राजा इंद्रदुम्न के हृदय में इच्छा प्रकट कर रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी। देखिए यहां पर हमने दोनों उदाहरण समझने हैं, मार्कंड ऋषि के पास सात कल्पों की आयु थी,
लेकिन वो सब कुछ त्याग करके कहते नहीं मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। इस राजा इंद्रदुम्न के पास पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन वो भी त्याग कर कह रहे कि नहीं मुझे तो केवल उन भगवान का दर्शन करना है। तो उनकी दर्शन करने की जो लालसा है उसको बढ़ाने के लिए ये सन्यासी के रूप में आए हुए कह रहे कि आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए। और वो कह रहे उनकी अहितु कृपावश मैंने वहां निवास किया और मेरे सब मूर्ख व्यक्ति भी वहां पर भगवान के भगवत प्रेम को जागृत कर पाया है। मेरी बुद्धि निर्मल होने के कारण अब मैं सदैव उनका दर्शन करता हूं। हे राजन बस मुझसे मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप सदैव कृष्ण का स्मरण करो। और ऐसा करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गया क्योंकि वो उनकी सभा का व्यक्ति तो था नहीं। स्कंद पुराण में वर्णन है, ये श्लोक आता है, अंतर्धानम जगम महाशु राजम परम विस्मिता। बड़े राजा आश्चर्यचकित हुए, ये कौन सा व्यक्ति था जो मेरी राज्यसभा में आया और एकदम से गायब भी हो गया। यहां लिखते हैं कि इससे प्रमाणित होता है कि वो जो तीर्थ यात्री था वो अप्रकट होने से पता चलता है कि ये स्वयं भगवत भगवान थे। और उनका मन इस तरह से, जो राजा का मन था वो सोचने लगा, अरे ऐसा भी कोई दिव्य स्थान इस जगत में है, मैं उस स्थान में जाना चाहता हूं जहां स्वयं भगवान गदाधर, एक गदाधर तो है पंचतत्व में और गदाधर भगवान क्योंकि गदा को धारण करते हैं। और तब उठ खड़े हुए और सारे मंत्रियों को उन्होंने बुलाया और विशेष रूप से उन्होंने एक महान पुरोहित को बुलाया कि मैं उस भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, आप कृपा करके मेरी सहायता करें। मैंने धर्म अर्थ काम सब कुछ प्राप्त किया है लेकिन अब मैं इस संसार से मुक्ति और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना चाहता हूं। तो पुरोहित ने बोला, हे राजन मैं वैसे ही करूंगा जिससे आप उन भगवान को इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा देख सके। आपके पर्यटक अनुचरों के साथ मेरा छोटा भाई विद्यावृति जो बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण है वो भी उस स्थान को खोज निकालेगा। और फिर राजा इंद्रदुम्न बड़े प्रसन्न होते हैं और आदेश देते हैं और कई दिशाओं में कई अलग अलग लोगों को भेजते हैं, हैं? और रथ पर आरूढ़ होकर अपने अपने मन में भगवान की महिमा के विचार करने में मग्न होकर बोलते हैं, अहो मे सफलम जन्म सुकलाया शबरी चमे दक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्मा पदम। अहो मेरे मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करना अब सफल हो जाएगा। रजनी का सुप्रभात हुआ क्योंकि मैं उन परम भगवान के मुख कमल का दर्शन करूंगा जिनका दर्शन करना ही सारे पापों का नाश करने वाला है। यदि हम भागवतम पढ़ेंगे तो जब गरुड़ और जब अक्रूर जी जा रहे हैं कंस के कहने पे भगवान कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो अक्रूर जी भी ऐसे ही मनोरथ कर रहे हैं कि अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मैं इन नेत्रों से उन भगवान का दर्शन करूंगा जिनका दर्शन करने दक्षिणामी यद भगवतो मुख पद्मा अपहम। मतलब उनके मुख कमल का दर्शन करने से ही अघ मतलब क्या होता है पाप, अघा सुर था ना, और अपहम शोक मोह पह सब प्रकार के जो भय हैं पाप है वो दूर हो जाएंगे। मैं आज उन चक्रपाणी का दर्शन करने वाला हूं जो केवल श्रवणादि भक्ति द्वारा ही जाने जाते हैं और जो अपने नित्य धाम नीलाचल में निवास करते हैं और बद्ध जीवों के शारीरिक और भौतिक आसक्तियों को समूल नष्ट करने वाले हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बात, क्योंकि अब देखेंगे कि राजा इंद्रदुम्न के सामने भगवान दर्शन देंगे। क्यों दर्शन देंगे, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करने के लिए ललायत हैं। भगवान का एक नाम क्या है यहां पर, चक्रपाणि। चक्रपाणि क्यों है, पाणी किसको बोलते हैं, हाथ को बोलते हैं। पहले जब विवाह होता था तो पाणी ग्रहण समारोह बोलते थे उसको, पाणी बोलते हाथ को। तो भगवान चक्र में को हाथ में धारण करते, गदाधर है भगवान का अलग नाम है। तो कह रहे हैं मैं आज उन चक्रपाणि का दर्शन करने वाला हूं जो केवल श्रवणादि भक्ति द्वारा प्राप्त होते हैं और बद्ध जीवों के कष्टों को दूर करने वाले हैं जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो अगर कोई जीव भगवान के दर्शन करने इस भावना से आता है तब भगवान उसको दर्शन देते हैं और नहीं तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी करके उसको भाग देते हैं। जो इस भावना से दर्शन करने आता है कि हे भगवान आपका दर्शन करने से मेरे को
पुनः भाव दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कुंती वाणी अपनी प्रार्थना में कहती है ना, ये श्लोक आता है ना, क्या संत है विपदा हो संता संत, क्या मुझे विपदा दीजिए, जब विपदा आएगी तो मेरे को आपका दर्शन मिलेगा और आपका दर्शन करने से पुनः भाव दर्शन, इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। वो यही कह रहे हैं कि मैं आज चक्रवाणी का दर्शन करूंगा जो कि बद्ध जीवों को कष्टों को दूर करने वाले हैं, उनकी कृपा दृष्टि से मैं इस भाव भव सागर को केवल उनके दर्शन मात्र से पार करूंगा। और ऐसे प्रभु तो श्रुति और स्मृति के लिए भी अगोचर हैं, स्तुति कर रहे हैं इसलिए जिनके नाम कीर्तन और स्मरण मात्र से तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद अरणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। भागवतम के पहले इसके अंक दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद वंदनम, जिनका कीर्तन करने से स्मरण करने से लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषा, सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं उन भगवान की वंदना करता हूं जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, मेरा भाग्य आज उदित हो रहा है क्योंकि आज मैं परम पुरुष भगवान का दर्शन का लाभ प्राप्त करूंगा। तृष्णा निवारण के लिए जिनके सन्निकट जाकर काक पक्षी भी मुक्ति पा सका, मैं उन्हें अपने नेत्रों का रत्न बनाऊंगा। तो ये अभिलाषा ये इच्छा भक्तों में होनी चाहिए। नयन हेरिबे क्या रोज गाते हैं तुलसी आरती, नयन हेरिबे सदा, आगे बोलो नयन हेरिबे सदा युगल रूप राशि, रोज तक तुलसी आरती में गाते हैं, ये है नयन हेरिबे। ये राजा इंद्र उनकी प्रार्थनाएं हैं, मन की इच्छा है, और हम देखेंगे आगे वो तपस्या भी करेंगे। इस प्रकार भगवत स्मरण में मग्न उनका जो मंत्री था विद्यापति, वो भी अपनी संगियों के सहित लंबा अंतर पार करके बिना किसी थकावट के नदियां पहाड़ कठिन पत्थर पड़ते हुए उत्कल देश में महानदी के किनारे पहुंचते हैं। देखिए उस समय कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारे भक्त लिखते हैं कि एक जीपीएस सिस्टम था, कौन सा, अभी तो हम गूगल में डालते ना ढूंढ लेते हैं कहां पर पहुंचना है, और वो कहां से निकले थे ये राजा इंद्र, कहां रहते थे, उज्जैन में अवंती क्षेत्र में, उज्जैन से निकले और कहां और ढूंढ रहे थे, तो उस समय जीपीएस सिस्टम था गुरु परंपरा सिस्टम, एवं गुरु एवं परंपरा प्राप्तम, क्योंकि जिस तरह से उस साधु ने बताया था कि इस जगह जाना ऐसे ऐसे जगह जाना, तो भगवान गीता में भी कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्तिते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्वदर्शिना, कि यदि हम गुरु के प्रणिपात होकर विधि का पालन करते हैं तो फिर क्या है, हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार विद्यापति वहां पहुंचते हैं और उनका पृथक रथ, पहले कहां पहुंचता है, भुवनेश्वर पहुंचता है, रास्ते में जो भी मिलता उनको वे प्रणाम करते और उनका आशीर्वाद देते कि मुझे भगवान का दर्शन हो। दूर से ही उनको सुंदर नीलाचल पर्वत नजर आया जिसके मध्य भाग में सुंदर वट वृक्ष सुशोभित था और चारों ओर रमणीय बाग बगीचे थे जो मन को मुग्ध करने वाले थे। जैसे ही वे श्री क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, उन्होंने उस धाम और पवित्र धूलि को अपने अंगों में धारण किया, जिसे विद्यापति आगे चलने लगे, जब वो प्रवेश किए तो उनको दूर से दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते अंधेरा होता गया और जंगल घना होता गया और उनको कुछ दिखाई नहीं रहता, इसलिए वो थक गए थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहां पर बैठ के थोड़ा विश्राम करता हूं और फिर आगे चलूंगा। उनका एकमात्र आकांक्षा थी भगवान के दर्शन करना। तो उन्हें जब वो बैठे रेस्ट करने के लिए, तो अचानक उन्हें पर्वत के दूसरी ओर से कुछ मनुष्य की आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने गंभीरता से सुना तो उन्होंने सुना कि ये लोग भगवत भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उनका बातें सुनकर उनका हृदय आनंद से नाचने लगा। वे धीरे धीरे उस आवाज की तरफ गए और तब उन्होंने देखा कि ये सब तीर्थयात्री शबरालय के रूप में शबर जाति के थे, और शास्त्रों में देखा ये वही शबर जाति है जो कि त्रेता युग में जिस जाति में शबरी प्रकट हुई थी। तो इस ग्रंथ पुराण का श्लोक कोट करते हुए कह रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारिणे ददृशी नरान
अवरूहा रथांतरूणा साष्टांग प्रणिपत्य च। विद्यापति ने उन सबको देखकर प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़कर खड़े रहे। विद्यापति ने जिसको भी देखा वे उन्हें चतुर्भुज नजर आ रहे थे। आपको याद है कई बात बोली गई थी, ये बात कहां बोली थी, किसने बोली थी, ये बात लक्ष्मी जी ने बोली थी। पांच बातें बताई थी ना पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, और छठी बात ये थी। पांच बातें क्या बताई थी पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, आगे बताई थी ना, इस क्षेत्र में किसी देवता का कंट्रोल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो यहां लेटता है वो अनेक प्रकार के योगिक सिद्धियां प्राप्त करता है। जो यहां चलता है वो भूमंडल की सात परिक्रमा करता है। जो यहां बोलता है वो वैदिक शास्त्रों का गुणगान कर रहा है। और जो यहां श्वास लेता है वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। देखिए जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे भी याद हो गया, तो मैंने पहली बार सुना ये। और छठी बात उन्होंने बोली कि अगर आप ऊपर के लोगों से देखोगे तो यहां पर सभी क्या है, चतुर्भुज दिखा देंगे। स्कंद पुराण में श्लोक कोट करें, शंख चक्र गदा पद्म धारणे ददृशे नराणाम। सब मनुष्य थे, नर थे, लेकिन वो क्या थे, चतुर्भुजा थे। क्योंकि उस समय की बात आई है जब वास्तव में वहां पर भगवान निवास कर रहे थे। कौन भगवान, कौन, नील माधव। विद्यापति जब ढूंढने जा रहे हैं तो नील माधव थे वहां पर। हम चर्चा करेंगे कि ये आगे कथा आएगी कि ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 50 साल, तो सॉरी 100 साल, सॉरी, तो जो फर्स्ट 50 साल हैं उसमें, क्योंकि पूरे ब्रह्मा जी के 100 साल के अंदर पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र दिव्य माना गया है ना, तो फर्स्ट 50 ईयर्स में, ब्रह्मा जी के फर्स्ट 50 ईयर्स में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नील माधव के रूप में विराजमान रहते हैं। और नेक्स्ट 50 ईयर्स में वही नील माधव पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान रहते हैं। तो अभी जब ब्रह्मा जी आएंगे आगे स्थापना करने राजा इंद्रदुम्न की प्रार्थना को सुनकर, तो उनका 51st बर्थडे ब्रह्मा जी का। और याद है ब्रह्मा जी की स्टोरी सुना रहे हैं वो, कितना ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना बड़ा है। असली में ये बड़ी सुंदर कथा है, और जितना हम डिटेल में पढ़ेंगे जगन्नाथ जी कथा को उतना उसमें आनंद आएगा। तो जब विद्यापति ने देखा उन मनुष्यों को, तो उनके चार हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म धारिणे ददृश्य नारायण अवरुआ रथांतरूण साष्टांग प्रणिपत्य च। भगवान का दर्शन करने से पहले जो भगवान के भक्त हैं अगर उनका दर्शन होता है तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी नियम है, हम पहले भक्तों को प्रणाम करते हैं, मंदिर में एंटर करते हैं पहले वैष्णव प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर परंपरा को प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये हमारी परंपरा से चला रहा है। अब विद्यापति भी उन वैष्णवों के मुख से हरि कथा का श्रवण करने लगे, कथा कर रहे थे। जब वे हरि कथा का श्रवण कर रहे थे तो वहां पर विश्वाशु नामक एक शबर आ गए, और उनके हाथ में भगवान का प्रसाद था, भगवान का चंदन था, और अनेक प्रकार की मालाएं थी। जब उन्होंने इस विद्यापति को देखा तो आनंदित होकर सोचने लगे कि मेरा सौभाग्य है। विश्वासों को महान वैष्णव समझकर विद्यापति ने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर भगवान का पुजारी होगा। और फिर उस तरह से विश्वास उसने इस ब्राह्मण को देखकर आलिंगन करते हुए पूछा, हे विप्र, आप कहां से इस जंगल में आए हो, आप भूख प्यास से पीड़ित हो गए हो, यहां कुछ दिन सुख से निवास कीजिए। तो यहां पर थोड़ा सा एक बात समझने वाली है, अलग अलग पुराणों में थोड़ा सा यहां पर कथा में डाइवर्जन आता है। जैसे हम देखते हैं कि यहां पर विद्यापति स्वयं विश्वासु से मिलते हैं और विश्वासु उसको बड़ा प्रेम से उनको स्वीकार करते हैं, बट कई जगह हम कथा सुनते हैं कि किस प्रकार से विश्वासु ढूंढते ढूंढते जाते हैं और एक घर में घुसते हैं, और जब नॉक करते हैं तो वहां पर एक सुंदर लड़की निकलती है। और क्योंकि असली में जब वो ढूंढ रहे थे थक गए हारे, तो उन्होंने पूछा कि मुझे कहीं यहाँ पर खाने पीने को मिलेगा कुछ, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर इस एरिया के जो इंचार्ज हैं उनका नाम विश्वासु है, और आप उनके घर जाइए और आपके हर इच्छा को पूरी करेंगे। और जब वो जाते हैं तो उस समय विश्वासु घर पे नहीं होते हैं, और उनकी लड़की बोलती है आप कृपा करके थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए और मेरे पिताजी आएंगे। और कई जगह इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग पुराणों में अलग अलग स्थानों में अंतर है, पर मुख्य बात यही है कि
पूछते हैं विश्वासु मिलकर कि कैसे आप, मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो फल अन्न जो भी आपको रुचि करो वो बताइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वहां पर वो केवल थोड़ा फल लेकर और संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं किस तरह से वो उनके घर रहना शुरू कर देते हैं थोड़े 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 दिन बाद। ये जगन्नाथ प्रिय नाटकम करके पूरी कथा है, जिसमें ये पूरी कथा आती है किस प्रकार से कुछ दिन बाद उनकी पुत्री जिसका नाम था ललिता, उनसे इनका विवाह हो जाता है। एक दिन वो ये देखते हैं कि जब जब विश्वासु घर वापस आते हैं तो उनके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर भगवान का प्रसाद है, सुंदर चंदन है, सुंदर पुष्पमालाएं हैं। वो सोचते हैं कि जंगल में रहने वाले ये लोग हैं, इनके पास कहाँ इतना सुंदर सुंदर प्रसाद आ रहा है, कहाँ इतना सुंदर सुंदर फूल आ रहा है, कहाँ इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी ललिता से पूछते हैं, तो ललिता कहती नहीं, मेरे पिताजी ने बोला है कि ये बड़े राज की बात है, किसी को नहीं बतानी है। तो विद्यापति बोलते हैं, अरे क्या तुम अपने पति को भी नहीं बताओगी, तुम्हें अपने पति को तो बताना चाहिए। तो कहती ठीक है, मैं एक शर्त बताऊंगी कि तुम आगे किसी को नहीं बताना। और फिर वो राजा जो विश्वासु है उसको कन्विंस करती है, और फिर वो उनसे पूछते हैं, तो फिर ये श्लोक आता है, ये श्लोक पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं विद्यापति कहते हैं कि मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं नील माधव के दर्शन करना चाहता हूँ। उनके प्राण व्याकुल हो रहे थे। विद्यापति ने कहा दृष्टवा यावन पतेत पतवार्ता नेश्यामी सोपायम निराहार ध्रुवम साध्यो तन्माम विष्णु प्रदर्शना। हे साधु, हे राजा इंद्र, मैं राजा इंद्र द्वारा भेजा गया एक भक्त हूं, जब तक मैं भगवान के दर्शन करके राजा के पास समाचार लेकर नहीं जाऊंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा, आप कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन कराइए। अब ये बात सुनकर विश्वासु थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं। वो सोचने लगे ये तो बड़े संकट की बात है, क्योंकि हमारे जो रहस्यमय भगवान है उनको ये ब्राह्मण देखना चाहता है, हैं? और शबल ऐसा सोच रहे थे, और तभी उनको एक बात याद आई, विद्यापति को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैंने सुना था कि पात्म कल्प, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, तो हर कल्प का अलग नाम है, तो कह रहे पाद कल्प के अंत में इस स्थान पर नील माधव अप्रकट हो जाएंगे, और तब राजा इंद्रदमन के लोग यहां पर आकर भगवान के दारू विग्रह की स्थापना करेंगे। इस विचार को तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए विश्वास ने सोचा कि अरे भगवान तो अंतर ध्यान होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं नीलेंद्र माणी अच्युत का दर्शन इस ब्राह्मण को दिखाऊं। और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन क्या है कि मैं शबर जाति का हूं, और मेरी एक प्रार्थना सुनो कि मैं तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधूंगा, और तुम वहां पर जाकर जब भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे तब मैं पट्टी खोलूंगा और तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो। विद्यापति मान गए, कहते कोई बात नहीं, ठीक है। वो बड़े उत्साहित हुए और नील माधव का दर्शन करने के लिए तीव्रता से चल पड़े। विद्यापति का हाथ पकड़ के विश्वासु उनको बड़े संकीर्ण दुर्गम मार्ग से लेके जा रहे थे, लेकिन इस विद्यापति ने क्या किया, थोड़े से सरसों के बीज अपने साथ रख लिए, क्योंकि वो थोड़ा बुद्धिमान मंत्री पुरोहित था, तो जानता था कि आने वाले मानसून सीजन में जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं राजा इंद्रदमन को भगवान के दर्शन करा सकूंगा। असली में हम देख सकते हैं, क्योंकि राजा भी भगवान का भक्त था, विद्यापति भी भगवान का भक्त थे, इसलिए भगवान के भक्त को भगवान का दर्शन कराने में वो सहायता कर जाते थे। और विद्यापति वहां जाते हैं, वे दोनों रोहिणी कुंड में पहुंचते हैं। बाहरी दृष्टि से ये मार्ग कटंकित और घना था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। भगवान के माधुर्य और सुंदर के आगार हैं, इसलिए उन्होंने वे निवास सभी प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था। उस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर विद्यापति विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा उस सुंदर नील माधव के रूप को, विद्यापति ने
तो उसको देखकर वो विस्मित हो गए और उस विश्वासु ने बोला ये रोहिणी कुंड है, इस ब्रह्मांड का अद्भुत जल है, इसके अंदर सारे तत्व यहां प्रकट होते हैं, इस सारे तीर्थों में श्रेष्ठ है, केवल इस वृक्ष की छाया के स्पर्श मात्र से सभी पापों से कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है और तुम भी अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। मैं जाता हूं भगवान की पूजा के लिए, कुछ पुष्प लेकर आता हूं, तुम भगवान का दर्शन करो। और विद्यापति भगवान का दिव्य दर्शन करना शुरू करते हैं और बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं। हम कल उस स्तुति को सुनेंगे और फिर हम देखेंगे किस प्रकार से आगे विद्यापति उसका दर्शन करते हैं और फिर राजा इंद्रदुम्न के सामने किस प्रकार से नील माधव वास्तविक में जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। हम ये भी लीला सुनेंगे कि किस प्रकार से द्वारका में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं, किस प्रकार से भगवान वृंदावन के अंदर भी जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जगन्नाथ जी की जो प्रकट की लीला है हम प्रायः संक्षेप में लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से जब रोहिणी माता ब्रजवासियों को, रोहिणी माता जो है द्वारका वासियों को और भगवान कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम है उसका वर्णन करती हैं, तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण उस लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। बट इसके पीछे बहुत लंबा सुंदर रहस्य है और ये तीन अलग अलग कथाएं हैं जिसका हम श्रवण कल करेंगे और फिर उसके बाद हम भगवान जगन्नाथ जी की अनेक भक्तों के संग अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं, चाहे वो विग्रह रूप में थे बट बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनका भी श्रवण करेंगे। तो कल हम इसी प्रकार से 7:20 से लेकर 8:30 तक रोज कथा सुनेंगे जगन्नाथ जी की और भगवान जगन्नाथ जी की वास्तविक स्तुति को जानने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रभु।